कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ददियाल के रिश्तों का कितना ज्यादा हक अदा करते हुए नजर आ रहे। ये बात पल्ले से बांध लीजिए कि अगर कोई खातून, अगर कोई बीवी अपने शौहर को उसके भाई, उसकी बहनों से काट देती है या अपने बच्चों को अपने ददियाल की मोहब्बतों से महरूम कर देती है, उसके दिल में जहर उगल के उसके चचा या उसकी फूफियों के खिलाफ, तो ये बदतरीन महरूमी है वो माँ जो बच्चे को जिससे दोचार कर सकती है। वो मोहब्बत वाले रिश्ते, ये अनमोल रिश्ते, ये इतने कीमती रिश्ते जो किसी कीमत पर नहीं मिलते, वो जान निसार करने वाले चचा, वो मोहब्बतों से नवाजने वाली फूफियां, वो चचा के भाई बहन, वो बच्चे, वो जो जोरे बाजू है इस माशरे में जो किसी कीमत पर नहीं मिलते, अगर कोई माँ अपनी औलाद को उससे महरूम करने की साजिशें करती है तो वो बदतरीन महरूमी है जिससे वो अपनी औलाद को दोचार करती है। अल्लाह हमें दिल की तंगियों से बचकर कुरान और हदीस को समझने और अपनाने वाला खुश नसीब बनाता है।